हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं एक्चुअली कई दिनों से सोच रही थी कि मैं कौन से लैंग्वेज में मेरा वीडियोस बनाऊं। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी। मैंने पहले इंग्लिश से शुरू किया, उसके बाद एसएमएस से में किया। और एसएमएस में होने से क्या होता है, जो मेरे बाहर के सब्सक्राइबर्स हैं वो बोलते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता। और इंग्लिश में होने से भी कभी कभी कोई बोलते हैं कि आप हिंदी में बोलिए, हिंदी में कीजिए। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब से अपने वीडियोस हिंदी में बनाऊंगी, ताकि किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। और ये वीडियो एक्चुअली है मेरा सैटरडे वाला वीडियो, सेकंड सैटरडे, जहां मेरा ऑफिस बंद होता है। और पहले तो मैं कोविड से पहले के टाइम के बारे में बात कर रही हूँ। तब मैं सैटरडे को कभी घर पे नहीं रहती थी, मुझे कहीं ना कहीं बाहर जाना ही पसंद होता था। पर अभी कोविड की वजह से हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं, सो इसीलिए मैं हर एक सैटरडे को अपना कुछ ना कुछ प्लान रखती हूँ। तो इस वीक मैंने प्लान किया था कि मुझे ये मेरा जो डाइनिंग रूम है उसका मेकओवर करना है। ये एक्चुअली मुझे कलर बहुत पसंद है, ऑरेंज। लेकिन क्या हुआ कि समय के साथ ये थोड़ा फेड हो गया है और बच्चों ने भी इसके ऊपर कुछ लिख दिया है वॉल्स में। तो मैंने मेरा लिविंग रूम का मेकओवर किया था, उसमें जो मैं पेंट लाई थी वो बचा हुआ था, तो मैंने सोचा उसी को ही मैं इन वॉल्स में लगा दूँ। और थोड़े बहुत इसमें मैं चेंजेस कर दूँगी। तो मैंने कैसे किया ये मेकओवर, आप इस वीडियो को देखते रहिए और लास्ट तक देखिए, ताकि आपको पता चले कि मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू कर रही हूँ यहाँ का जो सामान है वो सब हटाने का। ये जो मिरर है मैं अमेजोन से ही लाई थी, रिसेंट परचेज है मेरा। लेकिन इस बैकग्राउंड में वो मतलब नहीं शाइन, मतलब कॉन्ट्रास्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि ये गोल्डन कलर में है। मैं ये थोड़े वॉल में कील लगे हुए थे उसको हटा रही हूँ। और मुझे मेन काम करना है, मुझे ये ट्यूबलाइट जो है यहाँ से हटाना है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से अलाइनमेंट नहीं होता है मेरे डाइनिंग टेबल के साथ। और अभी ये जो वॉल है मैं इसे थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी। और ये ट्यूबलाइट हटाने के बाद ये देखिए कैसे गंदगी, गंदा सा दिख रहा है धब्बा सा, उसमें गड्ढे भी हैं, तो मुझे उसे भी फिलअप करना है। और जितने भी इसमें डस्ट थे या कुछ भी हो मैं उसको साफ कर लूँगी, बिकॉज़ इसमें मुझे आगे पेंट करना है। तो मैंने एक्चुअली कभी वॉल में पेंट नहीं किया है, और वॉल में तो छोड़िए मुझे पेंटिंग का भी नहीं आता है, क्योंकि स्कूल में भी मुझे ड्राइंग टीचर से बहुत डांट पड़ता था इस वजह से। तो पर मुझे कई दिनों से ये फीलिंग आ रही थी कि नहीं, मुझे एक बार तो इसको ट्राई करना ही है। तो ये वॉल भी बहुत ही कम एरिया में है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है जो मैं कर रही हूँ। तो ये मेरे पास थोड़ा वाइट सीमेंट था, मैंने वाइट सीमेंट को ही थोड़ा पानी में घोल के जो वॉल्स में सारे गड्ढे हैं मैंने उसे फिलअप कर दिया, क्योंकि ये गड्ढे बहुत ही भयंकर दिख रहे थे। पहले इस वॉल में एक्चुअली मैं अपना फोटोग्राफ्स वगैरह में हैंग करती थी। सो ये सैंड पेपर है, सैंड पेपर से मैं ये जो वॉल में दाग है ना इन सबको सैंड कर लूँगी, बिकॉज ये नहीं तो कलर के बाद दिखेंगे। एंड देन जो मैंने पैचेस लगाए हैं इसको भी सैंड पेपर में इवन कर लूँगी। अभी ये सूखा नहीं है, ये सूख जाएगा, उसके बाद मैं इसको इवन कर लूँगी। और हमारे यहाँ तो कई दिनों से बारिश हो रहा था, तो मौसम बहुत ही सुहाना था, प्लेजेंट था। लेकिन आज जब मैंने ये काम सर पे लिया तो पूरा आज बाहर धूप था, ह्यूमिडिटी था, बहुत ही गर्मी था। तो मैं तो एकदम ही थक गई थी, मतलब शुरू करने से पहले ही मैं थक गई थी। और एक्चुअली मुझे मैंने पहले ही बताया कि मैंने कभी पेंटिंग किया नहीं है, लेकिन हाँ जब कोई करता है तो मैं उसको ध्यान से देखती हूँ कि वो कैसे कर रहे हैं। लेकिन
आज एक ब्लंडर हो गया मेरे साथ, जो मेरा पेंट है मैंने उसमें कुछ ज़्यादा ही पानी डाल दिया था, तो वो थोड़ा रनिंग कंसिस्टेंसी में हो गया था, तो उसे हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। पर समहाउ मैंने पहले मैंने ब्रश से पूरे कॉर्नर्स को कर लिया, उसके बाद ब्रश से ही मैंने फर्स्ट जो कोट था वो किया, उसके बाद रोलर की मदद से मैंने सेकेंड कोट, और मुझे थर्ड कोट भी करना पड़ा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा उसमें पानी डाल दिया था। तो मैं एक टिप यहाँ पे देना चाहूँगी कि आप लोग जब भी प्लास्टिक पेंट खरीदते करिए तो पानी बिल्कुल ही कम मिलाइए उसमें, क्योंकि फिर वो थोड़ा हैंडल करने में मुश्किल हो जाता है। और ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो गया था, पर मैं फास्ट फॉरवर्ड करके ही आपको दिखाऊँगी, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आप लोग घर में ही पेंट करना चाहते तो इट्स नॉट दैट टफ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये, बहुत मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत इजी है। अगर आपको है कि नहीं मुझे करना है खुद से, वो जील है आपके अंदर, तब आप कीजिए, नहीं तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। विद इन 1000 आपका ये सारा पेंट हो सकता है, और अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है और प्रोफेशनल हेल्प इजीली मिल जाता है तो आप ले सकते हैं। पर अगर इतना कम एरिया के लिए अगर आप खुद ही करना चाहें तो ज़्यादा बेटर है, और इतना प्रॉब्लम भी नहीं होता है उसको करने में। मुझे मोस्ट प्रोबली 2 से 3 घंटे लगे ये पूरे वॉल को कवर करने में, क्योंकि आज मेरा पहला दिन था पेंट करने का। अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको है तो 2 घंटे भी नहीं लगेंगे, इतने से कम वॉल में 1 घंटा काफ़ी है, हो जाएगा आपका पूरा। और ये मेरा पहला कोट ही चल रहा है अभी, इसके बाद मैंने फिर रोलर की मदद से सेकंड वाला कोट लगाया। फिर भी ये जो बैकग्राउंड पूरा ऑरेंज है तो फिर भी कहीं कहीं से वो ऑरेंज निकल के आ रहा था, तो मैंने थर्ड कोट भी उसमें लगा दिया, और थर्ड कोट के बाद उसका जो फिनिश है वो अच्छा था, मतलब प्रोफेशनल जैसा ही था। तो आई कैन से कि अब मैं किसी भी वॉल को पेंट कर सकती हूँ इजीली। और पानी मैंने इतना ज़्यादा मिक्स कर दिया था कि स्पिल बहुत हो रहा था, और मुझे टेंशन था कि कहीं ये सूख के फिर ये दाग रह जाएंगे, तो मैंने एक कोट लगाने के बाद इस फ्लोर को साफ कर लिया था, और उसके बाद सेकेंड और थर्ड कोट के बाद फिर मैंने फाइनली इसको साफ़ किया। इस तरह से जो मेरा फ्लोर है वो इतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ। बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अगर पेंट कर रहे हैं तो नीचे कुछ पॉलीथिन वगैरह या कुछ भी गंदा कपड़ा आप लगा के कीजिए, तो थोड़ा सा मेहनत बच जाएगा जो मुझे करना पड़ा। तो ये मैं आपको बताती जा रही हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की है उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, और किस तरह से आप कम मेहनत पे ही ये सारा काम कर सकते हो। तो ये हैंगिंग लाइट मैंने बनवाया है, एक्चुअली मैं खुद ही बनाना चाह रही थी, पर कारपेंटर ने बोला कि नहीं मैं ही बना के देता हूँ, तो इसका कुछ ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं पड़ा है, पर इसको अभी मुझे कलर करना है। सो मैं ये लाई हूँ एक स्प्रे पेंट गोल्डन कलर में, तो अभी मैं इसको कलर करूँगी। तो मेरा रूम अभी पेंट हो गया है, और पेंट होने के बाद ये ऐसे दिख रहा है, और ये दीवार ऐसे दिख रही है, और ये जो मिरर है एक्चुअली अभी ये दीवार पे लाइक एक कंट्रास्ट बना रहा है, अभी अच्छा लग रहा है ये यहाँ पे। बट देन मुझे इसका पोजीशन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे वो 2 लाइट्स भी लगाने हैं। ये जो लाइट्स है ये मेरे पास 2 है, तो ये मुझे ये टेबल का जो पोजीशन है उसके बिल्कुल ही बीचों बीच मेरा मिरर जाएगा, और मिरर के जो एग्जैक्टली साइड्स में होंगे वो मेरा जो लाइट है वो जाएगा। और तो ये मैंने स्प्रे पेंट लेके ये जो मेरे
वुड के हैंगिंग लैम्प थे उसको पेंट कर दिया और ये कलर मुझे बहुत पसंद आ रहा है। एक्चुअली जो मेरा मिरर है वो भी गोल्डन ह्यू में है, तो मैं अपने जो हैंगिंग लाइट्स थे उनको भी मैं गोल्डन चाह रही थी। और मैंने एक्चुअली ऑनलाइन देखा भी था हैंगिंग लाइट्स, लेकिन जो ऑनलाइन वाले थे वो बहुत ज़्यादा मुझे कॉमन लग रहे थे, तो इसलिए मैं उसको नहीं मंगाना चाह रही थी। और मुझे एक्चुअली जब भी कोई काम करना होता है वो मुझे फटाफट ही करना होता है, तो मुझे थोड़ा सा पेशेंस का थोड़ी मेरे में कमी है, तो मैं मुझे चाहिए था, तो मैं सोच रही थी कि मैं इसे खुद ही बना लेती हूँ। तो मैंने अपने कारपेंटर को फ़ोन किया था कि मतलब वो कहाँ मिलेगा क्या होगा, तो उसने मुझे पूछा कि आप क्या बनाना चाह रहे हो, तो मैंने उसे ये वाला जो फ़ोटो मैंने ऑनलाइन देखा था उसको दिखाया, तो उसने बोला कि आप कहाँ ये सब काटते रहेंगे ये करते रहेंगे, मैं ही बना के देता हूँ। तो मैंने कल उसको बोला और आज उसने मुझे ये बना के दिया, प्राइमर भी उसने लगा के दिया है और ज़्यादा इसमें मुझे कॉस्ट भी नहीं पड़ा है, और पेंट मैंने खुद ही खरीद के मैंने इसको पेंट कर दिया है। सो ऐसे मैंने चार ब्रैकेट मंगाए हैं अमेज़ॉन से, ये इजीली मिल जाते हैं अमेज़ॉन पे। तो इन ब्रैकेट के ऊपर, इन ब्रैकेट में जो मेरा हैंगिंग लाइट है वो लगेगा। तो अभी मैं इन ब्रैकेट्स को वॉल पे ड्रिल करके इनको मैं लगा लूँगी। उससे पहले मुझे मेजरमेंट करना होगा एग्जैक्टली कौन से पोजिशन पे ये ब्रैकेट्स लगेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेजर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने डाइनिंग टेबल को मेजर कर लिया था और उसका जो सेंटर पॉइंट है वो निकाल लिया था। तो मेरा डाइनिंग टेबल 6 feet का था, तो मैंने वॉल में उसको कहाँ कौन से पोजीशन में लगाना है उसका मेजरमेंट लेके मैंने उसका भी सेंटर पॉइंट निकाल लिया था, और उसी सेंटर पॉइंट में मैंने फिर अपने जो मिरर को है उसको लगाया था, और मिरर को ही सेंटर बना के मैंने जो मेरे लाइट्स लगेंगी उनका मेजरमेंट कर लिया। उसके बाद ड्रिल करके जो ब्रैकेट्स है मैंने वो लगा लिए, उसके बाद मैंने उसमें लाइट हैंग कर दी और मैंने ड्रिलिंग कर ली। ड्रिलिंग करने के बाद मैंने ब्रैकेट्स पे लगा लिए थे, और मुझे एक्चुअली जो भी करना है ना बहुत फास्ट फास्ट करना होता है क्योंकि मुझे रिजल्ट बहुत जल्दी देखने होते हैं। तो मैंने हैंगिंग लाइट्स में जो होल्डर था होल्डर को लगाया, उसके बाद उसमें जो वायर का कनेक्शन है वो सब कुछ मैंने कर लिया, और फाइनली मैं जब उसको टेस्ट करने के लिए मैंने उसको मतलब प्लग में डाला और बूम पूरा मतलब उसमें शॉर्ट हो गया था और मेरा पूरा ट्रिप हो गया था MCB। फिर मुझे इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ा और थैंकफुली उसी इलेक्ट्रिशियन ने फिर ये जो हैंगिंग लाइट थे उसका कनेक्शन कर दिया। और फिर भी मुझे थोड़ा बहुत कमी लग रहा था कि कुछ तो कमी है, मतलब और भी कुछ मुझे चाहिए, तो मैंने दो वॉल शेल्फ मंगाए थे अमेज़ॉन से किसी और रूम के लिए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं इस जो पोजीशन पे ये वॉल शेल्फ अच्छे लगेंगे। तो फिर मैंने फिर अपना ड्रिल किट निकाला और इन जो वॉल शेल्फ थे उनको लगा दिया मैंने यहाँ पे, और कुछ प्लांट्स थे मैंने उसे सजा दिया। और भी जो इतनी सारी ड्रिलिंग हुई है उसके बाद जो गंदगी फैली है उसको तो साफ़ करना था, तो फटाफट मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा लिया और उसके बाद कुछ फाइनल टचेस दिए और मेरा लुक कंप्लीट हो गया है। तो अभी टाइम है फाइनल रिवील का, तो मैं कुछ ही देर में आपको दिखा रही हूँ कि ये रूम अभी कैसा दिख रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और जो मैंने मेकओवर किया है उसके आइडियाज़ पसंद आए और मेरे जो टिप्स मैंने आपको दिए वो अच्छे लगे हैं, कुछ भी अगर आपको मेरे वीडियो में अच्छा लगा है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और आगे बनाऊँगी, और बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और दिस इज़ द फाइनल लुक मेरे रूम का, और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रूम कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय।